हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मल्टीपल हायरिंग अपॉर्चुनिटीज रहने वाली हैं, बट जो एक सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है वो सीजीए की तरफ से है। सो सीजीए लगातार यहाँ पर असेसमेंट्स भेज रही है। सो डियर कैंडिडेट, थैंक्स फॉर चूजिंग प्रोफाइल एट सीजीए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेस्ट है। यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं, 24 अगस्त 2024 से स्टार्ट होगा, 26 अगस्त को एंड होगा। बाकी आप देख सकते हो ये वाला जो टेस्ट है सीजीए की तरफ से भेजे जा रहे हैं। ये सीजीआई की वो वाली हायरिंग के लिए जो मैंने काफ़ी पहले पोस्ट करी थी। अभी आज मैंने सीजीआई की जो बिल्कुल लेटेस्ट हायरिंग पोस्ट करी है अप्रेंटिसशिप के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी लिंक आपको सबसे ऊपर वीडियो में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें जाके आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं वीडियो विथ नीलसन आई क्यू। सो नीलसन आई क्यू यहाँ पर हायर कर रही है फॉर एसोसिएट पोजिशन। जॉब लोकेशन इज पुणे। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर अगर आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखोगे, सो स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट, बैचलर्स और मास्टर्स ऑफ मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स रिलेटेड फील्ड, टेक्निकल इंजीनियरिंग, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। 2025, 2024, 2023 बैच, तीनों बैचेस यहाँ पर एलिजिबल हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूमेरिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स, वेरी गुड नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स, एंड यहाँ पर बेसिक अदर रिक्वायरमेंट्स भी यू कैन रीड एंड अप्लाई। सो गुड हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम नीलसन आई क्यू, मस्ट अप्लाई इन दिस। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम जेड एस एसोसिएट्स। काफी टाइम बाद यहाँ पर हायरिंग निकाली है जेड एस ने फॉर एप्लीकेशन इंजीनियर। जॉब लोकेशन पुणे है, इससे भी रिवर्ट आने के चांसेस रहते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप सारी की सारी पढ़ सकते हो और बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे सारी की सारी मेंशन है। ओके, ओवरऑल इसमें यही है कि आपको वेब डेवलपमेंट में अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट आना चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं। बाकी इसमें कंफर्म नहीं है फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, बट ट्राई कर लेना अप्लाई करने का, और साथ साथ में फ्रेशर्स प्लस एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर पाएंगे। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम जूम, हायरिंग फॉर टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई, बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी हैं। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम यूबीएस, हायरिंग फॉर ग्रेजुएट ट्रेनी टेक्नोलॉजी। सो टॉकिंग अबाउट दिस, यूबीएस में ये ग्रेजुएट ट्रेनी की पोजीशन होने वाली है। यहाँ पर पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस और सिमिलर नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोलॉजीज की रिक्वायरमेंट को मांगा गया है। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम स्प्रिंकलर, दे आर हायरिंग फॉर प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर। एंड ये आज ही पोस्ट करी गई है। अगर आप स्प्रिंकलर में अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर रेफरल लेना पड़ेगा, बिना रेफरल के काम नहीं बन पाएगा। ये जॉब आईडी दी है, इस जॉब आईडी का यूज करके आप रेफरल ले सकते हो। बाकी बेसिक रिक्वायरमेंट में स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ MySQL, फेमिलरिटी विद MongoDB विल बी प्लस, एंड अदर रिक्वायरमेंट्स वगैरह मेंशन है। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम विप्रो, हायरिंग फॉर डेवलपर पोजीशन। जॉब लोकेशन विल बी हैदराबाद, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई। यहाँ पर भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम Cast24, दे आर हायरिंग एंड दे आर हायरिंग फॉर टैलेंट एक्विजिशन पोजीशन इंटर्न। यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी दी है, इस ईमेल आईडी पर जाके आप अपना डायरेक्टली सीवी भेज सकते हो। देन टाटा इमेजिनेशन चैलेंज, जिसकी यहाँ पर प्रोफाइल्स को रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पर 26 लाख रुपीज तक का पे पैकेज रहने वाला है, सो मस्ट अप्लाई इन दिस। टाटा इमेजिनेशन चैलेंज वन ऑफ द बिगेस्ट यहाँ पर हायरिंग कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है, सो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन होता है, सो डो नॉट मिस टू अप्लाई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट हायरिंग ये कॉम्पिटिशन रहेगा। देन वी हैव अपॉर्चुनिटी फ्रॉम फिनटेक ओलंपियाड, इसमें हर कोई एलिजिबल अप्लाई करने को, एवरी वन इज एलिजिबल टू अप्लाई, सारे बैचेस एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी तो है ही। सो आई विल बी पुटिंग आउट द लिंक्स द डिस्क्रिप्शन, यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।